सिंगरौली तहसील के कवई गांव में किसान के खेत पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसके बाद से किसान बालकिशन धाकड़ कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अब मडावदा गांव के किसान ने भी उसके समर्थन में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जो कार्यवाही हुई है वो गलत है, किसान को न्याय मिलना चाहिए। मामला यह है कि बालकिशन धाकड़ जी की जो खाते की जमीन शासन द्वारा रात को 3 बजे छीनी गई है, उस मामले में विरोध को लेकर मैं एक किसान हूं, तो किसान का सहयोग करने के लिए मैं भी समर्थन में यहां पे आमदन को बैठा हूं। कार्रवाई देखिए, मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, एसडीएम शिवानी गर्ग के जो बयान आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो हमने जो जमीन हटाई वो शासकीय है, लेकिन वो बिल्कुल अन्यायपूर्वक गलत है। और बालकिशन जी की जमीन जो है वो खाते की जमीन है। ये मामा शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं किसान हित की, लेकिन जो स्थानीय मंत्री हैं वो अपने स्वार्थ के लिए वो उद्योगपतियों को जमीन देने के सहयोग करके किसानों की जमीन को छीनना चाहते हैं।